हेलो फ्रेंड्स और स्वागत आपका इंजन क्लच गियर के एक और नए फ्रेश एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया में दशकों से चली आ रही नंबर वन ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चर कंपनी मारुति सुजुकी के बारे में। तो मेरा नाम है ऋषभ और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजन जिनके कारण आप जानेंगे वाई मारुति सुजुकी इज द किंग ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो अगर बात करें शुरुआत से, तो मारुति लिमिटेड उद्योग नाम की भारतीय कंपनी के साथ जापान से आए सुजुकी मोटर ने कोलैब किया और मारुति सुजुकी नाम की एक नई कार मैन्युफैक्चर कंपनी बनाई। इस कार मैन्युफैक्चर कंपनी ने अपना पहला प्लांट गुड़गांव में लगाया था और कारों का प्रोडक्शन शुरू किया था। तो मारुति की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल यह दौर था 1982 का, जब मारुति सुजुकी नाम की कंपनी ने कार बनाना शुरू किया था। अब उस समय ना तो ऑटो जर्नलिस्ट थे, ना ही ऑटो न्यूज वेबसाइट्स, और ना ही लोगों को कार्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। बस लोगों का भरोसा था अपनी सरकार पे, और जब सरकार ही गाड़ियां बनाने लगे तो लोग भला उसे क्यों ना खरीदे। हालांकि मारुति की कार्स में दम था, लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचते थे कि अगर सरकार ही गाड़ियां बना रही है तो वह गाड़ियां अच्छी होगी। और देखते ही देखते 14 दिसंबर 1983 को सुजुकी और मारुति के जॉइंट वेंचर से बनी कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पहली गाड़ी मारुति 800 को लॉन्च किया। इसे सुजुकी एस्प्रेंटो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। देखते ही देखते 2004 में यह बेस्ट सेलिंग कार बनी और इसको भारत के अलावा मोरक्को, श्रीलंका जैसे भारत के निकटवर्ती देशों में भी निर्यात किया जाने लगा। अगला कारण है ऑटो व्हीकल टैक्स। दरअसल भारत में ऑटो व्हीकल टैक्स बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से बिल्कुल ही अलग है। अगर मारुति के अलावा किसी अन्य कार मैन्युफैक्चर को भारत में कार बेचनी है तो उस कार का काफी ज्यादा टैक्स लगने के कारण उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका उदाहरण हम इस बात से समझते हैं कि अगर भारत में कोई 4 मीटर से कम लेंथ वाली कार है और उसमें 1200 cc से कम का इंजन लगा है तो उस कार पर मात्र 29% ही GST लगेगा, जबकि इससे ज्यादा लंबाई होने पर कार पर लगने वाला GST 50% हो जाता है। अब क्योंकि मारुति सुजुकी सालों से भारत में ही कारें बेच रही है, इसलिए उसकी आने वाली कारों का डिजाइन भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही होता है, तथा उनकी आने वाली कारों में कॉस्ट सेविंग भी एक अहम मुद्दा होता है। अगला कारण है लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। क्योंकि मारुति सुजुकी सालों से भारत में कार बेच रही है और उसकी गाड़ियां लगभग भारतीय मार्केट का 50% कवर करती है, इसलिए मारुति सुजुकी भारत में मास प्रोडक्शन करती है और इसी प्रोडक्शन के लिए वह अपने वेंडरों से काफी अधिक मात्रा में पार्ट्स खरीदती है, जिससे उसको लार्जेस्ट क्वांटिटी में पार्ट्स खरीदने पर एक अच्छे प्राइस में गाड़ियों के पार्ट्स मिल जाते हैं। अगला कारण है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। जब भी आप कार खरीदते हैं तो आपको चाहिए होता है कुछ ऐसा जो कि कार को खरीदने की फॉर्मेलिटीज के झंझट को एक झटके में खत्म कर दे, साथ ही साथ इंश्योरेंस को लेकर भी आपके दिमाग में काफी ज्यादा झंझट होता है। इसी समस्या के लिए मारुति सुजुकी ने मारुति इंश्योरेंस एंड मारुति फाइनेंस जैसी शाखाएं खोल रखी है, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से गाड़ियों को परचेज कर पाते हो, वो भी बिना किसी झंझट के। अगला कारण है ट्रू वैल्यू। गाड़ियों के फीचर समय के साथ साथ पुराने होते जाते हैं, तथा कुछ ही समय बाद हम नई गाड़ी लेने की सोचते हैं जिसमें हमें कुछ नए फीचर देखने को मिले। इसी कड़ी में एक आम नागरिक को पुरानी कार बेचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास मारुति सुजुकी की कार है तो आप उसे मारुति सुजुकी द्वारा स्टार्ट किए गए ट्रू वैल्यू जैसी शाखाओं में बेच सकते हैं। ट्रू वैल्यू मारुति का ही एक पार्ट है, जिसमें सेकंड हैंड कारों को सेल्स और परचेज किया जाता है, वो भी बेस्ट प्राइस पर। तो ये थे कुछ बेसिक रीजन जो बताते हैं कि वाई मारुति सुजुकी इज द किंग ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीक।